स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, फन विद नंबर्स। और इसमें हम कर रहे हैं बुक की एक्सरसाइज। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 17 से। टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। यहाँ पे 10 प्लेयर्स दिए हुए हैं जिन वर्ल्ड कप के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, ठीक है, टॉप 10। इसी से रिलेटेड ये अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे ये प्लेयर्स के नेम हैं और ये उनके सामने लिखा हुआ है वो स्कोर जो उन्होंने किया है, यानी कि जो रन, जितने रन उन्होंने लिए हैं वो स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ए पी जे कोई प्लेयर है, उन्होंने कितना स्कोर किया या कितने रन किए हैं, 128। अब क्वेश्चन देखिए, सी के जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक ए सेंचुरी। अब सी के कोई प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी सेंचुरी बिल्कुल थोड़े से रन से मिस कर दी है, ठीक है। सी के पहले तो हम देखते हैं, सेंचुरी का मैंने मतलब आपको बताया था बेटा, सेंचुरी का मतलब होता है 100। यहाँ पे सेंचुरी का मतलब है 100 रन, ठीक है। तो अब सेंचुरी से बच गए हैं। सी के देखते हैं पहले तो कौन है, ये है, देखिए ये है सी के, उन्होंने कितने रन लिए हैं, 99, ठीक है, 99। तो ये कितने रन से चूक गए हैं 100 अपने सेंचुरी बनाने के लिए, ओनली 1, ठीक है, सिर्फ 1 रन से। और इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आप 100 में से 99, 100 होती है ना सेंचुरी, और 100 में से जितना सी के ने स्कोर किया है यानी कि 99 को आप माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 1 रन। तो 1 रन से वो बच गए हैं। कितने कितने रन की उनको ज़रूरत थी अपनी सेंचुरी बनाने के लिए, 1 रन की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स। तो दो प्लेयर्स के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल किया है, इक्वल रन बनाए हैं, पूरा इक्वल नहीं है, ऑलमोस्ट यानी कि बहुत पास पास है। तो देखिए इनमें से चेक कीजिए कौन है सबसे ज़्यादा, दो प्लेयर ऐसे जिन्होंने बहुत पास पास रन स्कोर किए हैं। तो देखिए, एक है AS जिन्होंने 100 का स्कोर किया है, एक है CK जिन्होंने 99 का स्कोर किया है। ये लोग बहुत पास है ना, सबसे ज़्यादा पास यही है, सिर्फ एक रन का डिफरेंस है इनके बीच। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AS और यहाँ पे लिखेंगे CK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश स्कोर्ड ए कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। अब आपको यहाँ पे उस प्लेयर का नाम लिखना है जिन्होंने अपनी कंप्लीट सेंचुरी बनाई है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और कंप्लीट सेंचुरी का मतलब कितना हुआ, 100 रन, ठीक है, 100 रन। और 100 रन किसने बनाए यहाँ पे, ये देखिए AS ने बनाए हैं 100 रन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AS। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। तो यानी कि आपको वो रन बताने हैं जो सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, ठीक है, किसी भी प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन कौन सा बनाया गया है, कितना बनाया, ये बनाया बेटा देखिए 778। 178 से ज़्यादा कोई स्कोर आपको नज़र आ रहा है, कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 178। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। यहाँ पे यानी कि आपको दो ऐसे प्लेयर बताने हैं जिनके बीच जो उनके रनों का डिफरेंस है वो सिर्फ 1 है, ठीक है, वो सिर्फ 1 है। अभी हमने किया भी था, ये देखिए CK और AS, इनके बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AS और यहाँ पे लिखेंगे CK, ठीक है। अब लास्ट आपको खुद करना है। इसमें क्या बोला गया है, डैश स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी, 1.5 सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे आपको उस प्लेयर का नाम लिखना है जिसने 1.5 सेंचुरी से 2 रन ज़्यादा बनाए हैं। और 1.5 सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, 1 सेंचुरी का क्या मतलब होता है, 100 रन, ठीक है, 100 रन। और हाफ सेंचुरी का मतलब, फुल सेंचुरी मतलब 100 रन, और हाफ सेंचुरी मीन्स आप इसको भी हाफ कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड करके आप इसको हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 रन। तो यानी कि 50 रन, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 सेंचुरी ये हो गई और हाफ सेंचुरी ये हो गई, तो आप इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 150 रन।
तो 150 रन से 2 रन ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है, 2 रन। तो अब 2 रन को भी ऐड कर दो उसमें, क्योंकि ज़्यादा बोला ना, 2 रन ज़्यादा, और जब ज़्यादा की बात हो रही हो तो आप करेंगे ऐड। तो जब ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 152 रन। तो आप इस लिस्ट में से चेक करेंगे, अब इस लिस्ट में से आप चेक करेंगे कि 152 रन जो हैं वो किस प्लेयर के हैं, ठीक है, और उस प्लेयर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 18 में, काउंटिंग इन टेंस, यानी कि आपको 10-10 को स्किप करके या 10-10 के डिफरेंस में काउंटिंग लिखनी है। देखिए जैसे ये रैबिट है, ये 10 पे खड़ा है, 10 से उसने सीधा जंप किया, देखिए 20 पे, ठीक है, और उसके बाद 20 से वो सीधा जंप करेगा 30 पे, और 30 से फिर 40 पे, यानी कि 10-10 के डिफरेंस पे वो जंप करेगा। और इसी तरीके के 10-10 के डिफरेंस के थ्रू आपको ये जो लिस्ट दी गई है, ये जो वर्कशीट आपके सामने है, इसे आपको फिल करना है। जैसे देखिए 10 के बाद 20, ठीक है, 10 का डिफरेंस हो गया, उसके बाद 30, 10 का डिफरेंस हो गया। अब 30 के बाद ब्लैंक है, 30 के बाद क्या आएगा, 30 के बाद क्या आएगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, 10-10 के डिफरेंस पे करना है, तो 10 ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये आ गया 40। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अब 40, अब 40 के बाद क्या आएगा, 40 में फिर से 10 ऐड कर दीजिए, तो आ गया आपका 50। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50, अब 50 के बाद क्या आएगा, अब 50 में फिर 10 ऐड कर दीजिए, तो आ गया 60। इसी तरीके से 10 ऐड करते जाइए और पूरा यहाँ तक फिल कीजिए। इसी तरीके से यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, ये देखिए 110 है, अब 110 में 10 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 120, तो यहाँ पे लिखिए 120, उसके बाद फिर से 120 में 10 ऐड करके आपको ये लिस्ट पूरी कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट है काउंटिंग इन 50s, अभी आपने ऊपर 10 में काउंटिंग की है, अब आपको यहाँ पे करनी है 50s में, यानी कि 50 को ऐड करते आपको जाना है। जैसे यहाँ पे 200 है, 200 के बाद देखिए 250 है, यानी कि 200 में 50 ऐड करेंगे, तो आ गया 250 जो कि लिखा हुआ है। अब आप नीचे क्या लिखेंगे 250 के, आप 250 में फिर से 10 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 260, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50 ऐड करना है आपको, ठीक है, 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फिर 350, तो यहाँ पे 350 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, 250 लिखा हुआ है, ये रहा 250, और 50 ऐड कर दीजिए फिर आप इसमें, तो ये आ जाएगा 300, तो 300 लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपको लिखना है 300, ठीक है। उसके बाद 300 में आप फिर से 50 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 50-50 की काउंटिंग करनी है, तो 0 and 5 and 3, तो 350 आ गया, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 350। अब 350 में इसमें फिर से 50 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 400, तो यहाँ पे लिखिएगा 400। इसी तरीके से 50-50 ऐड करते हुए आपको ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है। सो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से ऐड करते हुए आप कहाँ तक जा सकते हो, कितनी दूर तक जा सकते हो। तो बेटा देयर इज़ नो लिमिट, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत दूर तक जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, यानी कि आप कौन सा बिगेस्ट नंबर जो है वो बोल सकते हो, तो बोलिए जो भी आपको सबसे बड़ा नंबर पता है वो आप बोलिए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, कलर द नंबर्स, आपको देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इन नंबर को कलर करना है। अब कैसे करना है देखिए, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स में दिए हुए हैं, कुछ फिगर में दिए हुए हैं, तो ये है ग्रीन कलर, ये वाले नंबर्स जो है ना सारे, इनको आपको ग्रीन कलर करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्ड्स में, 140, यानी कि 140 हम ऐसे लिखेंगे इसको। आप चाहें तो प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। तो 140 कहाँ पे है, देखिए ये रहा 140, तो यहाँ पे आप करेंगे ग्रीन कलर, ठीक है, इस पर आप करेंगे ग्रीन कलर। इसी तरीके से नीचे देखिए 202, ठीक है, 202 मतलब 202। अब देखिए 202 यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 202, तो इस बॉक्स में भी आप करेंगे ग्रीन कलर, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इस वाला में, रेड वाले में देखते हैं, अब हम इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 60 प्लस 40
प्लस टू, तो 60 प्लस 40 प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा आपका 642। तो अब ढूंढिए आप 642 कहाँ लिखा हुआ है, तो 642 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 642। तो यहाँ पे आप करेंगे ये रेड कलर, क्योंकि रेड कलर के नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप करेंगे इसमें रेड कलर। इसी तरीके से ये सारे नंबर्स पढ़ के आपको कलर करना है इनको। ओके, स्केच या वाटर कलर मत कीजिएगा, पेंसिल या वैक्स कलर कीजिएगा। ओके, गुड लक।